ट्रेवल के ऑफिशियल पेज से आपसे एक बार फिर मुखातिब। टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये बताना आपको जरूरी समझनी है। मैं नहीं जानती मेरी ये टीम ये वीडियो किस टाइम तक जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करती है, क्योंकि जब से कोविड आया था 2020 की बात करें तो उसके बाद से अब सोशल मीडिया वाले आईटी वाले जो है वो ज़्यादा मसरूफ हो गए हैं। तो अब ये है कि अगर उन्हें याद रहता है तो वो ऑन द स्पॉट कर देते हैं, नहीं इंतज़ार में रहते थे कि जी पता नहीं कब अब हमारे जो है वो केस वीज़ा लग के मिलेगा नहीं मिलेगा, जब रिटर्न होगा तो हमें पता चलेगा। तो ये ड्यूरेशन जो है वो कम किया गया, बिल्कुल सही, ये ऐसी बातें। इंफॉर्मेशन को अगर आपने टैली करना है तो बराए मेहरबानी आप कैनेडियन वेबसाइट पे भी जाकर उसकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर भी टैली कर लीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, बाजार में वर्क परमिट बड़ी बुरी तरह बिक रहे हैं। पहले महीने से ही बहुत ज़्यादा वर्क परमिट का वो है, पीछे वर्क परमिट। तो मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूँगी कि जो मेरा कैरियर है, जो मैं खुद जेरीज कराची सेल्स हेड रह चुकी हूँ, वीज़ा डिपार्टमेंट में रह चुकी हूँ, हज उमरा में रह चुकी हूँ, तो मतलब मेरी प्रॉपर जेरीज में वीज़े से रिलेटेड ट्रेनिंग या सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग हुआ करती थी। इन तमाम चीज़ों को रोशनी में रखते हुए मैं यही बात कहूँगी कि वर्क परमिट में कोई प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो ये आती है कि हमारे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है वो आप जब सब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो 3, 4, 5, 6 प्रोसेस स्टेप्स के बाद जाके आगे कुछ प्रोसेस में साइलेंट हो जाता है, मोड पे चला जाता है। रीज़न ये कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ कम होती है, इस वजह से आपको वीज़ा लगने और मिलने में काफ़ी कैद और देर होती है जनाब। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो हम आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है वो ये कि इस साल वो तमाम वीज़े लगकर आएंगे जो जो फाइल्स और जो एप्लीकेशंस जमा करवाए गए थे कोविड के दरमियान, इस साल वो तमाम वीज़े अप्रूव होकर आएंगे या रिजेक्ट होकर आएंगे, ठीक है। ये पूरे साल ये सिलसिला 2023 में चलता रहेगा। अब होता यह है कि लोग बहुत सारे वो बना लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, लोग बना लेते हैं, हमारा वीज़ा अप्रूव हो रहा है, हमारा वीज़ा अप्रूव हो रहा है, खाली भी पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है। तो देखिए जी, कनाडा का वीज़ा जो है वो आपकी प्रोफाइल पर ही लगता है, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल अगर ठीक नहीं है तो कोई कानून दुनिया का ऐसा नहीं है जो आपकी प्रोफाइल को देखे बगैर वीज़ा लगा। अब बात आती है कि जी डन पे कहाँ होता है, जी मैडम आपको भी मालूम होगा, जी बिल्कुल हमें भी मालूम है, गारंटीड काम होते हैं उसमें, तमाम जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमारी इनवाइटी पर होती है। इनवाइटी जो होते हैं वो ऐसे इनविटेशंस भेजते हैं जिसपे 90% जो है वो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते, और आप उसमें घाटे में नहीं जाते क्योंकि आपने तो जनाब सिर्फ उसमें जमा ही क्या करवाया है, आपने जमा करवाया है उसमें बेसिक फीस और बायोमेट्रिक फीस जो कि बहुत ही कलील सी होती है। तो इस वजह से वो कहते हैं गारंटीड वीज़े को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अब उसमें भी ये कहना कि जी बिल्कुल जो है पासपोर्ट चिट्टा है, कोरा है, उस पर वीज़े लग गए हैं, तो देखिए जी वंस इन अ ब्लू मून किसी के नसीब में अगर ऐसी कोई खुशी लिखी है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, इमिग्रेशन वाले बेवकूफ नहीं है। हाँ, ऐसा उस सूरत में हो जाता है जब आपकी उम्र 65+ है, आप 70 में हैं, आप ओल्ड एज में जा रहे हैं, जब आपके स्लिप होने के चांसेस नहीं होते हैं, एडवांस एज में आप चले गए हैं, तो वो आपके कोरे पासपोर्ट पे भी लगा देता है। फिर अगर आपका बेटा बेटी पढ़ने के लिए गए हैं और उन्होंने जाके आपको बुलाया है तो आपके पेरेंट्स का वीजा उस सिचुएशन में भी लग जाता है। एक बार फिर कह रही हूँ कि मेरी इस जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये 12 महीने वैलिड रहने वाली इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आ जाती है कि स्टूडेंट वीज़ा, जी बिल्कुल स्टूडेंट वीज़े में भी ऐसा होता है कि बच्चे आइल्स करते हैं, आइल्स
के नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो नॉमिनल वो पे करते हैं, पे करने के बाद उनका एक अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे जो कनाडा है, कनाडा में आइल्स के जो मार्क्स हैं जो वो आप B1 कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है, नस्बतन ये कि आप दूसरे अदर कंट्रीज में ले लेते हैं, UK वगैरह में B1 कैटेगरीज ये 4.55 यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब यहाँ पे भी बिल्कुल जर्मनी वाला ही, जो नॉर्मल बच्चे नॉर्मल तरीके से अब बनाते हैं अपनी फाइल्स, उनके लिए तो बिल्कुल एज सेम एज इट इज 2023 जो है वो जर्मनी वाला ही केस हो रहा है। यानी कि जिस तरह जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको कनाडा में भी अपना ब्लॉक अकाउंट खोलना होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेरी इतनी एक्सपीरियंस शुदा जिंदगी में भी मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी जो आज मैंने सुनी है, या जो मैं मुस्तकिल 2020-21-22 में सुनती चली आ रही हूँ कि लोग कुछ अजीब तरह से वीज़ा कनाडा के वीज़ों को परफॉर्म करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। बेसिकली देखा जाए, कहा जाए तो पोर्ट्रे कर, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन वो उस चीज़ को शो कर रहे होते हैं। अरे जनाब, मैं बेसिकली दूर थी तो मैंने कहा जरा चेक कर लूं कि आया रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हमारी, क्योंकि मुझे YouTube के हिसाब से वीडियो बनानी होती है, अगर बहुत लंबी हो जाती है तो वो YouTube पे वीडियो जो है वो लोड होने में टाइम लगता है। खैर बहरहाल, आगे आपको ये बताएंगे कि बिजनेस वीज़ा भी होता है आपका, जो है वर्कशॉप वीज़ा भी होता है जो आपके फील्ड से रिलेटेड होता है। फिर बात यही आ जाती है कि उसमें कुछ ना कुछ आपके प्रोफाइल का अमल दखल होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बिल्कुल चिट्टा पूरा हो और आपको वीज़ा दे दिया जाए। फिर आपसे एक बात कहूँगी, ऑफिस का साइज ना देखिए, बैठे हुए वर्कर्स ना देखिए, लोगों की बड़ी बड़ी बातों पे ना जाइए, क्योंकि अगर कोई शख्स बगैर पैसा लिए भी आपके आपका पासपोर्ट खराब कर देता है तो वो आपकी शहरियत पे बात आ जाती है। तो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखा कीजिए कि जो भी है कनाडा वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसको नो हाउ वीज़े की होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसने वीज़े का फॉर्म भरा हो, बट ये है कि उसका वीज़े से रिलेटेड काम हो, उसका ताल्लुक हो, वो बाय प्रोफेशनल जो है वो ये ना हो कि वो कहीं और से चला हो और यहाँ आके ऑफिस खोल के बैठ गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह होती है। नंबर वन, अगर आप वाकई कनाडा जाने में हैं इंटरेस्टेड, तो 3-4 बातों का ख्याल रखिए। बल्कि ये बातें सिर्फ कनाडा के लिए नहीं, UK, US एंड यूरोप के लिए, हर बड़ी कंट्री के लिए तकरीबन एक से ही कानून है। भाई जरा हीटर कम कीजिए, अब तो मुझे स्वेटिंग हो रही है। अच्छा, बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये आ जाती है कि आपका पासपोर्ट, आपका ट्रेवलर पासपोर्ट होना चाहिए। ये मैं शर्त बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो यंग होते हैं, अनमैरिड होते हैं, ठीक है। ट्रेवलर पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपने सैलरी आपकी ड्रॉ होती है तो वो आपके बैंक में होना चाहिए, नहीं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके इदारे की, जिससे ये बात क्लियर हो कि हाँ आपको ये इदारा इस पोस्ट पे हायर करा किया हुआ है और आपको इस हर महीने सैलरी देता है। क्योंकि कुछ ये भी बार दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे ऑफिस वाले अपने टैक्स के चक्कर में जो है वो सैलरी बैंक के अंदर ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, दैट्स क्लियर। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर आप कारोबारी हैं तो आपके टैक्स के पेपर पूरे होने चाहिए, बैंक अकाउंट प्रॉपर होना चाहिए। किसी डोरमेंट अकाउंट में पैसे डाल के निकालने की कोशिश ना कीजिएगा, चलता हुआ अकाउंट हो। और सबसे बड़ी बात यह कि चलते हुए अकाउंट के साथ साथ उसमें ट्रांजेक्शन भी आपकी हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें मच काउंटेबल है। फिर आपका NTN हो, चैम्बर हो, ये कारोबारी हजरात के लिए। और कारोबारी हजरात के लिए जितना वो डालो उतना मीठा, वो जितना पैसा शो कर सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट में इट्स अप टू देम, ठीक है। बाकी उसके अलावा वो अपना एक पर्सनल अकाउंट भी लगाएंगे। अच्छा, अब ये भी ना किया करें कि जाने से 3 महीना पहले 4 कंट्री घूमकर आकर आ गए। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा गलत होता है कि 4 महीने पहले वो 4 कंट्री घूमकर आए और फिर उन्होंने जो है वो आके कनाडा वीज़ा अप्लाई कर दिया।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लग जाता है, तो नॉर्मली आप देखिएगा वो 60 प्लस लोग होते हैं, क्योंकि इनके कानून के मुताबिक जो एडवांस एज के लोग होते हैं वो वहां सेफ नहीं होते। ऑब्वियसली सी बात है, एक ठंडा मुल्क है और एक बड़ी एज का शख्स जो है वो उस तरह अपने आप को वहां नहीं सर्वाइव कर सकता जिस तरह एक जवान शख्स करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद अगर आप वर्कशॉप के हवाले से वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिट के हवाले से भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर, मुझे अपना नंबर बताने की और अपने इंट्रोडक्शन देने की आई थिंक सो की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जरूर लिख के मुझसे रब्ता कीजिएगा। बाकी ये मेरी टीम पर है कि मेरी टीम ये वीडियो कब अपलोड करती है, बट ये 12 मंथ यानी कि 12 महीने ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन पुरानी नहीं होती। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और मजीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए रब्ता करते रहिए। जज़ाकअल्लाह।